हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुप्रतीक्षित फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की OTT रिलीज की तारीख के बारे में बात करेंगे। काफ़ी मनोरंजक खबर है, साथ में हम आगामी OTT रिलीज की तारीख की भी बात करने वाले हैं। जैसे आपको ओपेनहाइमर और बारबी जैसे मूवी शामिल है। एंड अब बात करते हैं, आप नवीनतम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए हम शुरू करते हैं अंतरिक्ष के गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पे। इसके OTT रिलीज जैसे कि आपको हाल ही में एकदम कंफर्म कर दिया गया है, ऑफिशियल पोस्ट करके गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का 2 अगस्त को रिलीज होने वाला है। ऑफिशियल मार्वल और डिज्नी प्लस की तरफ से कंफर्म किया गया है। अब चलिए बारबी की दुनिया में चलेंगे, जो कि बारबी की दुनिया हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर देखने के लिए है। तो आपको पहले बताया जा रहा है कि आपको BUD प्रीमियर देखने को मिलेगा, यानी कि आप खरीद के देख पाएंगे पहले। तो ये आपको बताया जा रहा है, इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा तो बताया जा रहा है आपको मध्य में, सितंबर के मध्य में आपको ये देखने को मिलेगा अनुमानित हैं। अब बात करें इसके OTT रिलीज की तारीख की, तो OTT रिलीज बताया जा रहा है कि अक्टूबर के 2nd and 3rd week तक आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें हम इसके OTT रिलीज की, तो OTT रिलीज बताया जा रहा है कि अभी जियो सिनेमा रहने वाला है, और जियो सिनेमा उधर OTT राइट्स रहने वाला है कि वार्नर ब्रदर्स जो है और जियो सिनेमा के साथ जो डील हुआ है उसके वजह से आपको ये जियो सिनेमा पे देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अभी पता है आपको, ये जियो सिनेमा पे अवेलेबल जब किया जाएगा तब हिंदी में होगा। जैसे कि आपको पता है कि थिएटर में अभी बारबी मूवी जो है हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से अभी जो बताया जा रहा है, रिपोर्ट और रिसर्च करे हैं हमने, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि आपको जियो सिनेमा पर जब अवेलेबल किया जाएगा तब आपको ये हिंदी में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे ओपेनहाइमर की कहानी के बारे में, कब तक अपने मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो अभी थिएटर में किसी वजह से हम जा नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, तो इस वजह से आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे देखना है। तो कब तक देखने को मिलेगा, तो OTT रिलीज़ इसका बताया जा रहा है कि अभी रिपोर्ट के अनुसार BUD प्रीमियर इसका पहले होने वाला है, जो कि सितंबर के मध्य में आपको देखने को मिलेगा। और OTT रिलीज़ की माने हैं तो OTT रिलीज़ हमारे रिपोर्ट और रिसर्च के माने हैं तो आपको ये नवंबर तक रिलीज़ होने का संभावना दिख रहा है। और इसके OTT राइट्स की बात करें तो आपको जियो सिनेमा का नाम बताया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने जितने भी रिपोर्ट और रिसर्च करे हैं तो उसके अनुसार ये सारे के सारे खबर आपको बता दिए। यही कुछ खबरें थी आपसे आपको बताने के लिए। अभी अच्छा लगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सोशल मीडिया का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। आपके घर तक तुरंत एकदम लेटेस्ट अपडेट आपके घर तक पहुँच जाएगा, और सब्सक्राइब करके हमारे सदस्य बन जाइएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट घर तक पहुँच जाएगा। और अदर वीडियोस को फ्लैश हो रही है, जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।